नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 3 लोग हुए घायल। गढ़वा जिला के रमुना थाना अंतर्गत बहियार खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। इस मारपीट में घायल बहियार खुर्द निवासी विजय कुमार रवि उम्र 37 वर्ष को चाकू से सीने पर वार भी किया गया तथा जमकर मारपीट भी किया गया। विजय कुमार रवि ने गीतांश टीवी को बताया कि मैं विजय कुमार रवि ग्राम बहियार खुर्द के रहने वाला हूँ। हमारे घर में टॉयलेट बन रहा था जो कि पूर्व में राम रचय राम स्वयं बैठकर सहमति से खुदाई करवाए थे और टंकी बन चुका था। जब उसमें पाइप लगवाने के लिए हम लोग पाइप जोड़ रहे थे, वहाँ पे मिस्त्री लोग लगे हुए थे, तो हम बाहर से आए। हम कलेक्शन में गए थे, हम सहारा इंडिया का अर्जेंट हैं जो कि कलेक्शन करके आए, तो देखे कि यहाँ पर लोग भीड़ लगाया है डंटा ले लेकर, 8 घंटा लेकर पूरे फैमिली उन लोग थे, जो कि फ़ोटो में भी अभी लोग भेजा है, डंटा ले लेकर घर से तैयारी करके आए थे। उन्होंने बकझक करते हुए हम पर लाठी से वार किया और तीर कर मकई में ले गए, मकई लसड़ाया हुआ है। और वहाँ पर मुझे इतना ही याद है कि उन्होंने लाठी से मारा, उसके बाद चाकू जैसे ही निकाला हम बेहोश होने, चाकू निकाल कर उन्होंने वार किया है, जो कि ये जख्म है हड्डी पे लगा हुआ है, चाकू अंदर इनने किया है। और हमारे पास नगद कैश भी थे 80,000 रुपये, जो कि डेली का रिन्यूअल 30,000 था और फिक्स 50,000 थे, वो पॉकेट में नहीं है। साथ में मोबाइल भी हमारे पास नहीं है, मोबाइल अभी मैं अपना किसी और के लेकर काम कर रहा हूँ। और हमारी मैडम कौशल्या देवी जो हैं वो बेड पे पड़े हुए हैं, माँ को हाथ टूट गया है और पत्नी को लोग चढ़ कर हड़ दिए हैं, बता रही है कि बहुत पेट में दर्द है, यही मामला है। और ग्रामीण जनता सब लोग थे, लेकिन वहाँ बचाने के लिए एक दो लोग कोशिश किया, लेकिन उन लोग 8 लोग थे, भारी पड़े, हम लोग मात्र 2 ही लोग थे, मैं और मेरा पत्नी और माँ। वहीं उनकी पत्नी कौशल्या देवी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने गीतांश टीवी को बताया कि इसे किसे क्या हुआ? सर, हम लोग जो हैं शौचालय बनवा रहे थे, हमारे राम रक्षा राम और पंकज राम और विकास राम और रीना देवी, बसंती देवी और एक और है सर लेडीज, उसका नाम हमको नहीं याद है सर। उन लोग जो एक बार आया तो बोला कि ये हमारा ज़मीन है, और हम लोग बोले कि ठीक है तुम्हारा ज़मीन है तो तू फिर अपना अमीन मंगा कर नपवा लो। तू बोल रहा है कि नहीं तुम नपवा करके दो। ये ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि वो जानता है कि हमारे ससुर नहीं हैं, हम लोग मतलब लवारिस की तरह हैं सर। हम आंगनबाड़ी सेविका हैं, गढ़वा जिला के अध्यक्ष हैं झारखंड यूनियन का, जिसमें उन लोग के जन्म होता है, जो कि सर शौचालय खलवाए हैं तो हम लोग का मिट्टी जो था सर अपना खेत में वो डलवाया है। वो बोला कि तुम लोग इतना ही पर से बनाओ, तो हम लोग उतना ही पर से बनाए सर। अभी जांच किया जाए कि जितना पर दीवार मेरा है उतना ही पे ही मेरा ये पाइप गया है सर, पाइप जाने का रास्ता बनाया जा रहा है सर। और उन लोग बोला कि अगर नहीं तुम काम रुकवाते हो तो तुमको मार देंगे। तो एक भाई आया तो हम लोग डांट कर भेज दिए कि नहीं जाओ, लड़ाई नहीं करना है, तुम अमीन के बुलाओ। इसके बाद दूसरा भाई आया तो वो आया तो उसको भी बोले हम लोग कि भैया जाओ तुम लोग आदमी के जमा करो गांव का आदमी का। उन लोग बोला कि नहीं तुम बना कर दिखाओ। बस उन लोग क्या किया कि सर उन लोग 10-9 आदमी था, सबको पटकन ले लेकर के आया। हम लोग पति पत्नी और हमारे सास, ये हम लोग घरे थे सर, और हमारे घर पे 30 महिलाएं थी, जो हमारा कैश पार का समूह चलता है वो मेरे घर में चलता है सर। वो महिला लोग के सामने नहीं मारा, वो हम लोग का खींच करके मौका के खेत में ले जा करके सर, हमारा 13,500 का झुमका था सर, एक बिछिया था, और हमारे हस्बैंड को और हमको लगा फाइटे फाइट पेट में मारा है सर, जो कि दर्द मुझे नहीं सहा जा रहा है सर। और वो जब हमको मारा तो हमारे हस्बैंड लगे दौड़ने, तो उनको क्या हम उसका आँख से देखे हैं सर चाकू, वो चाकू ले करके आया और हमारे हस्बैंड पर वार किया। इतने में सर हम बेहोश हो गए सर, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। इसके बाद उन लोग सर, उसके हाथ में पिस्तौल भी है सर, वो रहता है कहीं कुछ में सर, उसके यहाँ भी पिस्तौल आने है सर, जो कि वो दौड़ने लगा पिस्तौल लेकर के जो कि मकई में, ताकि कोई हमारे आदमी देख ना सके उसको सर। और हमारा जब गाँव वाला जब हम चिल्लाए हमारे हस्बैंड सर, तो गाँव वाले आदमी दौड़ा तब जा करके छुड़ाया, उन लोग भाग गया सर, और हम लोग से पहले उन लोग थाना पे पहुँचा है सर। यही मेरा कहानी है सर।
यदि आप लोग को अच्छा लगता होगा सर तो एक नारी का सम्मान कीजिएगा सर, और हम लोग पूरे परिवार को, हम लोग को इसलिए चाहता है कि इन लोग का जितना जमीन हो हम लोग दबा लें, और हम इसलिए कि हमारा वो चचेरा ससुर लगता है लेकिन आज से मेरा वो कोई नहीं है सर, जितना सजा हो उसको सजा देने का कृपा कीजिएगा सर, धन्यवाद। वहीं विजय के माँ के साथ भी मारपीट करते हुए हाथ तोड़ दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यह तीनों व्यक्ति सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती हैं। धन्यवाद।